अस्सलाम वालेकुम, फरहान अहमद गोट लाइफलाइन आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुंदरी गोजरा रोड नज़्द वाबडा ग्रिड स्टेशन। तो आज का हमारा मौजू है कि जब आपका जानवर बिल्कुल डिलीवरी के लिए तैयार हो तो आपने क्या करना है। तो ये माशाल्लाह फर्स्ट टाइमर हमारा जानवर है, बड़ी शानदार आर्डर क्वालिटी है इसकी अल्लाह के फजल से। और फर्स्ट टाइम ही अल्लाह के फजल से जो इसकी सूरत हाल कंडीशन महसूस हो रही है, इसके पास तीन बच्चे हैं। तो ये तकरीबन तीन से चार घंटे के अंदर अंदर बच्चे पैदा कर देगा। तो आपने ऐसे हाथ करना है, ऐसे जैसे मैंने हाथ किया, और सीधा हाथ, आपने सीधा हाथ करके जानवर को आगे से कवर कर लेना है। वो मदद कर गया हूँ। कवर करने के बाद आपने जानवर के ना इस जगह पे, ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है जी, इस जगह बिल्कुल आर्डर के पास ऐसे आपने जानवर को ना ऊपर उठाना है। तो इस जगह पे आपको बच्चे महसूस होंगे, ठीक हो गया। बच्चों का जो ये जगह है ना, ये तकरीबन 6 इंच तक आपको बच्चे महसूस होंगे, और ऐसे महसूस होंगे जैसे किसी कपड़े वगैरह में रोड़ा नहीं बंद किया होता। तो उसको आप लगाएं, जितना ज़ोर उसके ऊपर आप देंगे उतने ज़्यादा वो आपको महसूस होंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारा जानवर जो है ना, ये 4-5 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी कर देगा। साथ आपने ये निशानी देखनी है, ये देखो, ये पूरा, ये मेरे दोनों जो फिंगर है ना, शहादत की उंगली और अंगूठा जी आपस में टच हो रहे हैं। ये दोनों फिंगर आपस में, ये देखो, ये टोटल डाउन हो गई है जगह। अच्छा, तीसरे नंबर पर जानवर ने अपने ऑर्डर को फुल अकड़ा देना है, जैसे इसने दिया हुआ है कि फुल ऑर्डर को अकड़ा आएगा, बिल्कुल ऑर्डर नरम होगा रूह की तरह और फुल अकड़ा होगा। और साथ ही जानवर ने थोड़ा बहुत अंदर से मुवाद तारे वगैरह करना शुरू कर देनी है। तो उस वक्त आपका जानवर जो है ना, वो 4-5 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी कर देगा। बहुत सारे ये पूछते हैं कि डिलीवरी की निशानियाँ क्या हैं। अच्छा, फिर बार बार जानवर जो है ना, ये अपने पिछले पैरों का बैलेंस बराबर करेगा, बार बार पिछले हिस्से को ज़रा ऊपर उठाएगा, जैसे ये जानवर उठा रहा है ना, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर जी, इसकी पेट की जो धड़कन है ना, ये तेज़ हो जाएगी। ये जब बच्चेदानी अंदर से ओपन हो रही होती है तो पेट की धड़कन जो है ना, ये तेज़ हो जाती है। तो इस सूरत में आपने ये काली मिर्च का पाउडर है, ये 2 चम्मच आपने लेने हैं, चीनी इसमें मिक्स की हुई है बराबर मकदार में, काली मिर्च का पाउडर और चीनी 2 चम्मच आपने ये लेने हैं, 2 चम्मच आपने चीनी के लेने हैं, 4 चम्मच आपने अपने जानवर को दे देने हैं। साथ आप उसको ऑयल 2 थोड़ा सा दे दें, ऑयल 2 नहीं आपके पास तो डाल्टा घी आप दे दें, 50 से 60 ग्राम तक ऑयल 2, 50 से 60 ग्राम तक डाल्टा घी। इससे आपका जानवर की जो डिलीवरी है इसमें आसानी हो जाएगी, वो आसानी से बच्चे पैदा कर देगा। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये आप जानवर को डिलीवरी से 3-4 दिन पहले भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आपका डिलीवरी का किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। अगर कोई बच्चों वगैरह को कोई प्रॉब्लम भी होगा, उल्टा भी होगा, तो तब भी ये आपका मसला नहीं बनेगा, ये टोटल मामला को कवर कर लेगी, ठीक कर देगी। तो जानवर, जब भी आपका जानवर इस कंडीशन में हो तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। जब आपका जानवर बैठ के ज़ोर लगाना शुरू कर दे, मेडिकली रूल के मुताबिक बच्चेदानी अंदर से वो थोड़ी बहुत ही ओपन हो जाए, तो आपने ये ऑक्सीटोसिन इसको लगा देना है। ये आप 3 cc तक भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 1.5 से 2 cc लगाते हैं ये वाला इंजेक्शन। इसको उर्फ़े आम में हम दूध वाला टीका भी कहते हैं। बेसिकली ये डिलीवरी वाला टीका होता है जानवर के बच्चे पैदा कराने के लिए। तो ये जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर देंगे अल्लाह के फजल से, बगैर मदद के साथ आपका जानवर थोड़ी बहुत ही हेल्प में ही आपके बच्चे पैदा कर देगा, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई अंदर बच्चा ज़ाया भी हो तो वो भी वापस आ जाएगा, रुकेगा नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि आपने डिलीवरी के वक्त जानवर की कैसे केयर करनी है डिलीवरी से पहले, ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये जानवर हमारा बच्चे पैदा करने वाला है। ये मैंने आपको 3-4 निशानियाँ बता दी, एक आपको नीचे से बच्चे जो आप उसको हाथ लगा के देखेंगे वो भी तरीका बताया, वो आपको वाज़े महसूस होंगे। ये जो जगह जो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आर्डर फुल को अकड़ा लेगा, छोटा होगा या बड़ा होगा आर्डर फुल अकड़ जाएगा, इसमें बड़े होने का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, छोटा हो या बड़ा आर्डर फुल टैट हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसे पेट की धड़कन महसूस होगी, जानवर बार बार अपने पिछले हिस्से को क्लोज करेगा।
ठीक होगा। 5 मिनट तक आप उसकी नज़र रखेंगे तो वो अपने कदमों को हटाएगा, कभी आगे करेगा कभी पीछे करेगा, कभी आगे करेगा कभी पीछे करेगा। कुछ जानवर जब उनको दर्दें शुरू होती हैं वो अपने दांतों को भी रगड़ना शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।